हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ खीरे के चार ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में। इसमें स्किन को टॉनिंग करना, स्किन को हाइड्रेट करना, एंटी एजिंग से बचाना और स्किन पर ग्लो लाना इंक्लूड है। सबसे पहले बात करते हैं स्किन के ग्लो की। खीरे का रस त्वचा की जलन को दूर करता है और ठंडक प्रदान करता है, क्योंकि जब हमारे फेस पर किसी भी टाइप से, चाहे सन की वजह से चाहे जैसे भी, जलन हो रही है तो हमारा जो स्किन है वो ग्लो नहीं कर सकता। यह चेहरे पर एस्ट्रीजेंट और टोनर के रूप में भी कार्य करता है। चेहरा धोने से पहले आपने खीरे को अच्छे से अपने चेहरे और गर्दन पर रगड़ें और 30 मिनट ऐसे ही रहने दें। इसके बाद आप चेहरे को वॉश करें। ऐसा करने से चेहरे पर ग्लो आता है। चेहरे को हाइड्रेट करना, यानी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए खीरे में पानी की मात्रा काफ़ी होती है, जिससे स्किन हाइड्रेट रहती है। अगर हम खीरा रूटीन में सैलेड में खाते हैं तो हमारी बॉडी भी हाइड्रेट रहती है। यह त्वचा पर मॉइस्चराइज़र की क्रीम का काम करता है। खीरे के साथ दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से स्किन हाइड्रेट रहती है। स्किन टैनिंग और सनबर्न से बचाने के लिए, अब ये जो समर आ चुका है तो इसमें स्किन पर टैनिंग या सनबर्न हो जाता है, तो इसके यूज़ से, खीरे के यूज़ से इससे हम बच सकते हैं। खीरा ब्लीच का बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि जब हम खीरे को अपने फेस पर लगाते हैं, जब वो ड्राई हो जाता है तो एक हल्की सी परत बन जाती है फेस पर, तो ये जो चीज़ है वो हमें जो सन टैनिंग से बचाती है। यह त्वचा से टैन और निशान को कम करके त्वचा की रंगत को निखारती है। खीरे की प्यूरी बनाकर, यानी कि एज ए पेस्ट बनाकर, इसमें नींबू का रस मिला लें आधा चम्मच, और जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो वो आधे से थोड़ा सा कम चम्मच ही डालें। सनबर्न से बचने के लिए आप इसमें एलोवेरा जेल एक चम्मच भी ऐड करें, यानी कि जैसे कि एक चम्मच खीरे की प्यूरी। आपने ये ध्यान रखना है कि इसका जो छीलना नहीं है, इसको पील नहीं करना, ऐसे ही यूज़ करना है, ऐसे ही इसका पेस्ट बनाना है। और एक चम्मच खीरे की प्यूरी और एक चम्मच एलोवेरा जेल और आधा चम्मच नींबू, इसे मिलाकर अपने चेहरे पर लगाने से चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैनिंग आ चुकी है वो दूर हो जाती है। एंटी एजिंग, त्वचा पर कसाव लाने के लिए, यानी किसी की स्किन बहुत ढीली सी होती है, यानी एंटी एजिंग का मतलब ही ढीली स्किन है, क्योंकि एज के इफ़ेक्ट के कारण कभी कभी कम एज में भी ऐसी स्किन आ जाती है जैसे बहुत ढीली सी होती है, झुर्रियाँ डली होती हैं, तो उसके लिए आपको खीरे में मौजूद जो मैग्नीज होता है और पोटेशियम होता है, वो बढ़ती उम्र के जो एंटी एजिंग के जो निशान होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं, रिंकल्स होते हैं, वो फेस पे नहीं पड़ने देता। एंटी एजिंग उपचार के लिए खीरे में अंडे का सफ़ेद भाग मिलाकर इक्वल क्वांटिटी में लगाएं और 15 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर लें। आप अपने फेस को एंटी एजिंग से बचा सकते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन खीरे के चार ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे लोगो पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।